पीरियड्स, हाँ मैंने पीरियड्स ही कहा, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म सुनते ही एक अलग सा रिएक्शन क्यों आता है, शॉकिंग रिएक्शन क्यों आता है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ, बचपन से मुझे भी यही सिखाया है, पैड को छुपा के रखो, पीरियड्स के बारे में किसी से बात मत करो। तो क्यों पीरियड्स टैबू है हमारी सोसाइटी के लिए? सिक्स क्लास में मैं पढ़ती थी, मेरी मम्मा उस वक्त घर पे नहीं थी, मेरे पापा थे उस वक्त। सुसू करने गई लाइक सीरियसली, और मुझे वहाँ से ब्लड आ रहा था। इतनी छोटी सी बच्ची को मतलब ऐसा हो गया, मुझे लिटरली उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं। छुट्टी का दिन था, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है। मैंने अपनी दादी को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे वो जो हाजमोला होती है वो दे दी कि ठीक है तू खा ले, तो वो ठीक रहेगा। मैं 8th या 9th में थी, तो जब मेरे को हुआ मुझे पता था, स्टिल मुझे मतलब यू नो यू कैन से कि मुझे शॉक्ड हो गया था कि लाइक मुझे क्या हो गया। जब मेरे पीरियड्स आए तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, सो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज नहीं था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बड़ी सिस्टर है, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, जिसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता रखा था, मैं इस चीज़ को फैमिली में देख चुकी थी। सो आई लव बीइंग अ गर्ल एंड आई एम नॉट एम्बैरस्ड ऑफ द पीरियड्स। मैं जब क्लास 8 में थी तब मुझे पहला पीरियड आया, और उस टाइम पे थोड़ा सा डर, अचानक ये क्या हो गया। कंजर्वेटिव जो फैमिलीज होती हैं उसमें पहले से ये सारी बातों के डिस्कशंस नहीं होते हैं, हमारे पापा या हमारे भाई को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन बातों से डिस्कस करने से थोड़ा सा जी चुराते हैं, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि उनको नहीं पता चलना चाहिए। ये तो डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी, बट जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं शो करती हूँ। हाँ, बट फिर भी फैमिलीज में अपने पापा से, अपने भाइयों से हम थोड़ा इस चीज़ को अभी भी छुपा कर रखते हैं। पीरियड्स बात करते हैं ना तो आवाज़ हो जाती है, पीरियड्स यार मैं डाउन हो गई हूँ, तो वो चीज़ें हैं। अब इसको कहाँ से कैसे निकाला जाए ये बिल्कुल, और निकल भी नहीं सकती शायद, बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में। नहीं, मैंने कभी नहीं मंगवाया। हाँ, जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने अपने फादर से मंगाया है कि पापा ये ला दो। नहीं, कभी भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं है। नो, शर्म, इट्स अ नेचुरल कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है एंड एवरी गर्ल इज नॉट ओपन फॉर दैट। सब कोई क्लियरली नहीं बोल पाता ऐसे। नॉर्मली पापा को बोला था, पापा मम्मी नहीं है, ज़रूरत है पैड की, तो पापा बोलते कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ। तो मुझे गर्व है अपने महिला होने पर, हर महीने मुझे भी पीरियड्स होते हैं और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही लोकमत ने भी पैडमैन चैलेंज को एक्सेप्ट करा है। आप भी चैलेंज को एक्सेप्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियोस या अपनी पिक्चर्स हमें जरूर भेजें।